यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले घटना है कि चार लोग घायल हैं और वहाँ विवाद हुआ और एक आबकारी का विमलेश नाम का एक आरक्षी है जिसको साथ निलंबित बताया जा रहा है, उसको उसके द्वारा गोली चलाना बताया गया और इसमें एक हमारे एक आदमी की गंभीर हालत है, तीन आदमी को दो को कम चोट आई, तीसरे की भी इलाज हो रहा है और ये जो है स्थिति अभी एक दो के सामान्य है। आरोपी घर में सर आग लगाने की बात सामने आ रही है, अब उसमें तो देखा नहीं, मैं इसमें पता लगाया जा रहा है कैसी थी। ये पहले से भी इसके ऊपर कई सारे मुकदमे इसी तरह के घटनाओं, अब ये इस तरह की बातों को जांच हम लोग कराएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सर पोस्टिंग क्या है, कहाँ है सिपाही? ये बताया जा रहा है कि इसका भदोही या वाराणसी में बताया जा रहा है, अभी सब चीज़ें जाँच की कन्फर्म हो जाएंगी क्या हो रहा है। घटना क्या हुई थी, क्या था मामला पूरा? विमलेश पाड़े नाम के एक आबकारी सिपाही हैं दुकान के सामने, उसने वहाँ पे उस घर को कब्जा करके उसमें अपना कार्यालय बना रखा है, वहाँ पे चार पांच लोगों को ये बैठा हुआ था लेके और गाली बक रहा था वहाँ से। बड़े भैया के द्वारा मना करने पर उसने और कहा कि आज मैं तुम्हें गोली मार दूँगा और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेके बड़े भाई संदीप गुप्ता को दो गोली और छोटे भाई विशाल गुप्ता को एक गोली जो उसकी आँख से लग के सर को फाड़ते हुए निकल गई मारा और कहा कि मैं पूरे खानदान को तुम्हारे ख़त्म कर दूंगा। ये अक्सर दबंगई करता है, क्या करता है ये अक्सर आए दिन वहाँ पे अपने मोहल्ले में चार पांच लोगों का गुट बना के किसी से भी लड़ाई झगड़ा मार पीट करता रहता है, या कि ये पुलिस विभाग में है आबकारी विभाग में, इसके डर के मारे कोई उसको कुछ बोलता नहीं है। इससे पहले भी इसने दुकान पर बम से हमला करवाया, कहाँ पहुँचते ये वाराणसी में था उस समय, अब इस समय कहाँ पे है पता नहीं मुझे, इसकी जानकारी नहीं है। इसमें दो लोग इंजर्ड हैं बहुत ज़्यादा जिनकी गंभीर हालत है और दो लोग जो मोहल्ले के निवासी हैं वो घायल हुए हैं, जिनके पैर में लगी है गोली का छर्रा और दूसरे वाले के भी पैर में लगी हुई है। मेरा नाम विराट सिंह। Yeah.